लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के दौरे पर हैं और वहां कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष से मुलाकात भी कर रहे हैं। वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी का एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मोदी जी डायरी देखकर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। मोदी जी बिना टेलीप्रॉम्प्टर के एक शब्द नहीं बोलते, यह बात दुनिया को मालूम चल चुकी है। लेकिन जब टेलीप्रॉम्प्टर नहीं रहे तो मोदी जी अपने मन से भी एक शब्द नहीं बोल पाएंगे, इस बात का प्रमाण अब इस वीडियो को देखकर मिलने लगा है। दरअसल यूक्रेन युद्ध को लेकर वो अपनी राय रखना चाह रहे थे और रख रहे थे। सब लोग आमने सामने कुर्सी पर बैठे हुए थे, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, और यहाँ मोदी जी डायरी निकाले और पढ़ना शुरू कर देते हैं, एक एक शब्द पढ़ना शुरू कर देते हैं। टेलीप्रॉम्प्टर नहीं मिला तो मोदी जी ने डायरी का सहारा ले लिया। अब बताइए, हमारे प्रधानमंत्री विदेशों में जाकर अगर डायरी देखकर पढ़ेंगे तो लोग हमारे बारे में क्या राय बनाएंगे? क्या यूक्रेन युद्ध पर मोदी जी नजर नहीं रखे हुए थे? इससे पहले भी कई दफे वो यूक्रेन युद्ध को लेकर बयान दे चुके हैं, कई बार कह रहे हैं कि हम इस युद्ध के पक्ष में नहीं हैं, हमने रूस से बात कर ली है, युद्ध रुकवा देंगे। तो यूक्रेन पर उनका ज्ञान तो काफी गहरा रहा ही होगा। बावजूद इसके यूक्रेन के स्थिति पर उन्होंने एक डायरी निकाला और पर्चा पढ़ना शुरू कर दिया। वैसे तो मोदी जी टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ के ही अपना काम चलाते हैं, इसको लेकर अब लोग तंज भी कसने लगे हैं। तो जरा एक ट्वीट देखिए अपने स्क्रीन पर आप, मध्य प्रदेश के युवा कांग्रेस ने तंज कस दिया है। वही बात जो मैं कह रहा हूं कि बिना टेलीप्रॉम्प्टर एक छोटा सा स्टेटमेंट तक नहीं दे पा रहे हैं हमारे विश्व गुरु। मोदी जी विश्व गुरु बनने की इच्छा रखते हैं, सपना भी है, भारत को दुनिया में नंबर वन बनाना है। ये बहुत ही खूबसूरत सपना है, हम भी चाहते हैं कि भारत विश्व गुरु बने। लेकिन इसके लिए जो तौर तरीके अपनाए जाते हैं, क्या ऐसे कदमों से चलकर भारत विश्व गुरु बन सकता है? दूसरी बात, लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री मोदी को किसी ने बताया नहीं था कि वहां पर आप जिस हिंदी का प्रयोग डायरी में देखकर कर रहे हैं, एक तो वो अपने मन से भी आप बोल सकते थे अगर आपको हिंदी ही बोलनी थी तो। लेकिन जहां स्किल डेवलपमेंट की बात होती है और मोदी जी कहते हैं कि स्किल डेवलप होना चाहिए, तो आप वहां अंग्रेजी में बोलकर माहौल को सहज कर सकते थे। खैर, ये अच्छी बात है कि आपने हमारे देश की भाषा हिंदी को वहां पर खूब प्रचार प्रसार किया है, इसके लिए आप काबिले तारीफ हैं। लेकिन समस्या यहां पर यह है कि इन बातों के जिक्र आप टेलीप्रॉम्प्टर नहीं मिला तो डायरी देखकर क्यों करने लगे, अपने मन से बोलते। और मजे की बात यहां वो है कि अजीत डोभाल और अन्य भारतीय अधिकारी जो मोदी जी के साथ वहां पर थे, वो लोग अपने धुन में व्यस्त हैं और मुस्कुरा रहे हैं। ना जाने सामने वाले को कौन ट्रांसलेट कर रहा होगा, कौन समझा रहा होगा। क्या मोदी जी बस अपनी बात रखकर फुर्सत पाना चाहते थे? मुझे तो इस वीडियो में कहीं नहीं दिखा कि कोई इन तमाम राष्ट्राध्यक्षों को दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करके मायने समझा रहा हो। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान में है तो वहां पर वो यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्ष जेलेंस्की से मुलाकात भी किए, साथ ही साथ चर्चा इस बात को लेकर भी हो रही है, भारतीय मीडिया में भी तारीफ हो रही है कि मोदी जी की तारीफ अमेरिकी राष्ट्रपति कर रहे हैं, ऑटोग्राफ मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि अमेरिका के लोग आपको काफी पसंद करते हैं, आप वहां बहुत फेमस हैं, मुझे भी ऑटोग्राफ चाहिए। अब ऐसे में इसकी चर्चा भारत में तो होगी, लेकिन गोदी मीडिया वाले अपने हिसाब से विश्लेषण करने लगते हैं। यही देखिए, अमन चोपड़ा का एक ट्वीट आया जिसको लेकर खूब चर्चा हो रही है कि मोदी जी कब सोए कब उठे, ये पूरा गणित बता रहे थे। इस पर एक व्यक्ति ने जबरदस्त तंज कस दिया, उन्होंने इतना निशाना साध दिया कि मोदी जी अगर सो रहे हैं तो बाकी लोग जो है जगे हुए होंगे, या मोदी जी जग गए होंगे तो बाकी लोग सो रहे होंगे, मोदी जी पैदल चल रहे होंगे तो सब लोग बैठे होंगे, बाकी लोग तो किसी और तरीके से आए होंगे। तमाम तरीके की टीका टिप्पणी शुरू हो गई है कि विदेश में बाकी राष्ट्राध्यक्ष भी हैं, राष्ट्राध्यक्ष क्या कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं कि खड़े हो गए हैं, जग गए हैं, उठ गए हैं, ऑफिस टाइम क्या है, नहीं है, ये सारी चीजों का महिमा मंडन
मीडिया क्यों कर रहा है, इससे क्या होने वाला है, मोदी जी वहां पर जो काम की बातें करने गए, इस पर आप चर्चा और बहस छेड़ सकते हैं। जरा देखिए अमीश देवगन ने क्या लिखा है अपने ट्वीट में। जब भारत में सुबह के 3:30 बज रहे थे, पीएम मोदी जापान में अपनी पहली मीटिंग कर रहे थे, जबकि अब 7:30 से ज्यादा वक्त हो चुका है, पीएम मोदी अभी भी ऑफिशियल एंगेजमेंट में व्यस्त हैं। अमीश देवगन के इस ट्वीट के बाद किसी ने उन्हें सही तरीके से जवाब दे दिया। वो जवाब बहुत लंबा चौड़ा था, जिसका सार हमने अभी आपको इससे पहले बताया है। सोने, उठने, चलने, मीटिंग करने, काम करने का काम सिर्फ मोदी जी करते हैं और बाकी दुनिया के देश के राष्ट्राध्यक्ष कुछ नहीं करते हैं, ऐसा तंज उन्होंने कसा था। लेकिन बात यहां पर वही घूम फिर करके आती है कि मोदी जी टेलीप्रॉम्प्टर के बिना डायरी पर चले आते हैं, लेकिन अपने मन से बोल नहीं पाते। वीडियो तो उनका एक ऐसा भी वायरल हुआ था जिसमें सुभाष चंद्र बोस पर बोलना था और मोदी जी उसके लिए भी टेलीप्रॉम्प्टर लगवा लिए। एक हमारे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी खासी जानकारी नहीं है क्या, ऐसा सवाल उठने लगा। वो हम आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं, जिसकी चर्चा खूब होने लगी थी। विनीत वत्स ने शेयर किया था जिसमें प्रधानमंत्री मोदी दिखाई पड़ रहे हैं और सामने टेलीप्रॉम्प्टर है, उसे राउंड कर दिया गया है, और इस स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए लिखा गया, कितनी शर्म की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी बिना टेलीप्रॉम्प्टर के नहीं बोल सकते। पीएम मोदी सुभाष चंद्र बोस के भारत की आजादी में दिए गए योगदान को बिना नकल किए नहीं बता सकते हैं क्या, देश के मीडिया को इस पर सवाल नहीं उठाने चाहिए, ये उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए निशाना साधा था। तो वाकई में क्या मोदी जी जानबूझकर टेलीप्रॉम्प्टर का प्रयोग करते हैं ताकि कोई गलती न रह जाए? लेकिन कई दफे ऐसा हुआ है कि टेलीप्रॉम्प्टर भी रहने के बावजूद मोदी जी फंसते हुए नजर आए हैं। इसके अलावा अब जापान में दुनिया ने देख लिया, मोदी जी डायरी खोले और यूक्रेन पर बोलना शुरू कर दिया, जबकि यूक्रेन को लेकर दुनिया भर में खबरें भरी पड़ी हैं। हमारे प्रधानमंत्री को भी इस बात का इलम तो रहा ही होगा, जो वो बात बोल रहे हैं यूक्रेन की लड़ाई को लेकर के, तो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ डेटा हो, टेक्निकल फैक्ट्स हो, बस वो अपनी राय रख रहे हैं। लेकिन राय रखने के लिए भी डायरी का सहारा अगर लेना पड़ रहा है तो ये आश्चर्य ही होता है। कई दफे ऐसा हुआ है प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदी बोली है, वो भी लिखी हुई हिंदी पढ़ रहे हैं, लेकिन अपने ही देश में प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी के नेता, कई दफे राहुल गांधी या फिर अन्य कांग्रेसी नेता का, मनमोहन सिंह का, तमाम ऐसे लोगों का मजाक भी उड़ाती रही है जब वे लोग लिखा हुआ पढ़ देते थे तब। अब इस वक्त मोदी जी को तो टेलीप्रॉम्प्टर की आदत है और टेलीप्रॉम्प्टर नहीं मिला तो देखिए कैसे डायरी लेकर ही शुरू हो गए और इसकी चर्चा देश भर में होने लगी है। इसी वजह से एक ट्विटर यूजर पुष्पराज यादव ने लिखा, आप समझ रहे हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है और कोई ऐसा नहीं है, मिसाल पेश है, टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है तो एक सामान्य सी बात भी प्रधानमंत्री लिखकर ले जाते हैं। अब इसको लेकर कांग्रेस वाले निश्चित तौर पर मुद्दा बनाएंगे कि मोदी जी सामान्य सी बात के लिए कम से कम डायरी तो ना खोलते, हिंदी में ही बोलना था बोलिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन राष्ट्राध्यक्ष जो लोग सामने बैठे हुए थे उनके सामने आंखों में आंखें डालकर सारी बातें कह देते, इतनी सामान्य सी जानकारी लेकर तो कोई भी जा सकता है। लेकिन मोदी जी को पता था कि ऐसे वक्त में तो टेलीप्रॉम्प्टर मिलेगा ही नहीं, डायरी का ही सहारा रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।